नमस्कार, मैं एडवोकेट मोहित शिवरे आप सबका ऑनलाइन स्टडी सर्कल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता मालवा प्रांत से हैं। उनका परिचय कराने के लिए हमारे मालवा के प्रांतीय मंत्री श्री गोविंद जी आज हमारे मुख्य वक्ता और विषय का परिचय कराएंगे। मैं गोविंद जी से आग्रह करूंगा वो आकर विषय रखें। आप सभी को नमस्कार, मैं गोविंद पुरोहित, प्रांत मंत्री अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत। इस ऑनलाइन स्टडी सर्कल के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अधिवक्ता परिषद अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एवं अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा इस COVID-19 महामारी के समय में सभी अधिवक्तागण एवं समाज को न्यायिक जानकारियां उपलब्ध होती रहे, इस हेतु से ऑनलाइन स्टडी सर्कल का आयोजन किया जा रहा है। आज के पूर्व भी ऐसे स्टडी सर्कल का आयोजन किया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश सालवे, माननीय न्यायमूर्ति श्री ए के श्रीवास्तव साहब आदि कई ख्यात विधि के ज्ञाताओं ने अधिवक्ता परिषद के माध्यम से अपने विधि के ज्ञान को सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी कार्यक्रम में आज निर्भया प्रकरण, जिस पर पूरे भारत के न्यायविदों एवं जनसाधारण सभी का ध्यान आकर्षित किया, वह इस प्रकरण के एग्जीक्यूशन में डिले ने कई प्रश्नों को सभी के मन में खड़ा किया। इस बहुचर्चित प्रकरण के विधिक बिंदुओं की व्याख्या करने हेतु आज हम सभी के बीच में माननीय न्यायमूर्ति ईश्वर सहाय श्रीवास्तव साहब जी वक्ता के रूप में उपलब्ध हैं। मैं आदरणीय श्रीवास्तव साहब का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। माननीय न्यायमूर्ति श्री ईश्वर सहाय श्रीवास्तव जी 14 अगस्त 1978 को न्यायिक सेवा में प्रविष्ट हुए। वर्ष 2004 में जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत हुए। इंदौर, रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों पर जिला न्यायाधीश के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद को शोभायमान किया। 16 दिसंबर 2011 को आप सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एवं कई बड़ी संस्थाओं में आर्बिट्रेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय सर को आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे विषय निर्भया प्रकरण, फांसी में विलंब के विधिक पहलू एवं त्वरित न्याय आज की आवश्यकता पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर, मैं आपको नमस्कार। सभी आत्मीय जन बंधुओं को मेरी ओर से आज का नमस्कार। पिछले दिनों बहुत चर्चा रही इस बात की कि निर्भया केस में अब क्या होगा, उसके मर्डरर्स को फांसी क्यों नहीं हो रही। सभी लोगों की क्यूरियोसिटी इस संबंध में थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निर्भया की माँ इसमें पहल नहीं करती और पीछे नहीं पड़ती तो पता नहीं कितने दिन तक ये प्रकरण लंबित रहता। पूरे देश में अभी भी 371 केस जिनमें फांसी हो चुकी है लंबित हैं और उनका क्या होगा ये भी नहीं पता अभी हम लोगों, क्योंकि उनमें तो निर्भया की माँ पीछे नहीं पड़ने वाली है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। जैसे सारे केसों में सभी केसेस के रिजल्ट आने के बाद, फाइनल जजमेंट हो जाने के बाद उनका निष्पादन होता है। प्राइवेट केसेस में पार्टियां अपने अपने निष्पादन के प्रकरण को लेकर बढ़ जाती है। इसी तरह से सरकार को भी इस केस में जिसको फांसी हो चुकी है उस केस फांसी के एग्जीक्यूशन के संबंध में आगे कार्रवाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा के विरुद्ध की गई अपील निरस्त हो जाने के बाद क्या क्या स्टेप्स होना शेष रह जाती हैं। पहली बात, अगर उसको मुलजिम को कोई रिव्यू फाइल करना है, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना है तो उसको उसका अवसर रहता है। इसके बाद उसे फिर मर्सी पिटीशन गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइल करने के लिए अवसर रहता है। और जो कुछ भी स्थितियाँ कानूनी राय के अनुसार उनको प्रदान की जाए उन सब का भी लाभ प्राप्त करना रहता है। तो इसकी कोई समय सीमा अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि रिव्यू पिटीशन कितने दिन में फाइल होना चाहिए, इस संबंध में भी लिमिटेशन एक्ट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि अपील निरस्त होने के बाद फांसी प्राप्त व्यक्ति रिव्यू कितने दिन में पेश करेगा, क्यूरेटिव पिटीशन कितने दिन में पेश करेगा, कोई डिवाइडन इसमें नहीं। राष्ट्रपति को जब मर्सी पिटीशन फाइल करेगा तो वो पिटीशन कितने दिन में डिसाइड होगी, इसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं है। प्रेसिडेंट के पास गवर्नमेंट अपने यहाँ से कमेंट्स उस मर्सी पिटीशन पे कब भेजेगी, कितने दिन में भेजेगी, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है।
इस संबंध में नतीजा ये निकलता है कि जो औसत इसकी टाइम लिमिट है प्रेसिडेंट के बाद मर्सी पिटीशन डिसाइड होने में, औसत टाइम लिमिट 3 साल से अधिक की है। मतलब जब कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, लिमिटेशन एक पॉइंट पे साइलेंट है, तब भी एकदम से कंप्लीट साइलेंस है इस पॉइंट पे कि फांसी की सजा के लिए जल्दी जल्दी कार्रवाई गवर्नमेंट की साइड से क्या होनी चाहिए। आप देखें, कोई भी जजमेंट फाइनल हो जाता है, यहाँ से ट्रायल कोर्ट से निकला, उसके बाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। लिमिटेशन एक्ट में सबका टाइम लिमिट दिया हुआ है, इसकी अपील 30 दिन में होगी, इसकी अपील 60 दिन में होगी, इसकी अपील 90 दिन में होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट फाइनल हो जाने के बाद जब ये निश्चय हो जाए तब इसको फांसी होना ही होना है, तब इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितने दिन में कार्रवाई पूरी। एक जनरल सेक्शन लिमिटेशन एक्ट का है कि जहां किसी चीज का कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है वहां केवल 3 साल की मियाद रहती है कि जब किसी चीज का कोई लिमिटेशन नहीं दिया है तो 3 साल तक के अंदर उसके संबंध में कार्रवाई किया। इसी का फायदा उठाया गया है इस केस में। 3 साल तक तो साइलेंट रहना ही था क्योंकि मुलजिम कभी भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है, मुलजिम कभी भी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकता है। अच्छा, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन, इन दोनों के लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि रिव्यू पिटीशन पहले फाइल होगी या क्यूरेटिव पिटीशन पहले फाइल होगी। हालांकि देखा जाए कंपैरेटिव स्थिति में तो क्यूरेटिव पिटीशन लेस वैल्यूएबल है, रिव्यू पिटीशन फाइल होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब के बारे में भी कोई गाइडलाइन। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अगर मुलजिम का केस, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से फांसी के संबंध में रिजेक्ट हो गई और ये तय हो गया कि उसको फांसी हो जानी चाहिए, तब सीआरपीसी ये कहती है कि इसके बाद फाइल जाएगी उस सेशन जज के पास जिसने फांसी की सजा दी थी और वो डेथ वारंट इशू करे। लेकिन जैसा परिलक्षित हुआ पेपर्स की रीडिंग से और जो कुछ भी रीडिंग करने से मिला, उससे ये लगा कि मुलजिम को जब फांसी की सजा देने का समय आया तब उससे पूछा गया कि क्या तुम मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहते हो, तुमको और कोई उपचार है क्या, क्या करना है, क्या क्या करना है तुमको। इस केस में विशेष परिस्थिति ये थी कि 4 मुलजिम थे और चारों को एक साथ सजा होनी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि 3 मुलजिम एक एक करके हर मुलजिम ने फायदा उठाया कि वो ये तो जल्दी जल्दी उसके निर्भया की माँ पीछे पीछे पड़ी हुई थी इसलिए हो गया, नहीं ये होता कि 3 साल तक तो एक आदमी चुपचाप बैठे रहते चुपचाप, 3 साल पहले एक आदमी जब 2-4 1-8 महीना रह जाता तब धीरे से क्यूरेटिव वो लगा देता मर्सी पिटीशन, प्रेसिडेंट क्या उसको डिसाइड होने में 3 साल लग जाते और उसके बाद से जब वो रिजेक्ट हो जाती तब फिर दूसरा लगा देता, तब फिर तीसरा लगा देता, तो ये दोबारा 15 साल रहता, वैसे ही हो गया। तो ये तो कानून का मजाक हो गया, क्योंकि निर्भया की माँ पीछे पड़ी हुई थी इसलिए जल्दी जल्दी सारे स्टेप्स हुए। तो इस संबंध में मैं समझता हूँ कि लीगल ऑब्लिगेशन जो गवर्नमेंट का है, अधिकारियों का जो है, कि वो एग्जीक्यूशन को कराएं जल्दी से जल्दी, वो लीगल ऑब्लिगेशन में एक से एक बाधाएं उपस्थित होती रहीं और इसलिए इस फांसी की सजा में देरी हुई। बाकी फांसी सजा जो 371 पेंडिंग है उनमें कितनी देर लगेगी कोई नहीं। तो मेरा निवेदन ये है इतना कि इस सब के बारे में एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 115 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, बस इसके आगे कुछ नहीं है। अगला सेक्शन गायब है इस संबंध में, अगले प्रोविजन गायब हैं। मेरे हिसाब से लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 115A इस आशय का बढ़ाया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद इतने दिन के अंदर अपील की जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद इतने दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए, और इसके बाद भी यदि क्यूरेटिव पिटीशन की आवश्यकता पड़े तो क्यूरेटिव पिटीशन भी इतने समय के अंदर फाइल हो जाना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल हो सके। हर केस में जिसमें एक से ज्यादा पार्टीज होती हैं, लिमिटेशन सबके लिए एक साथ रन करता है। आप अपील करो चाहे मत करो, जितने भी प्रतिवादी हैं या जितने भी प्रतिपक्ष के लोग हैं उन सबके खिलाफ लिमिटेशन एक साथ रन करता है। आपको केस की जानकारी हो गई, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस संबंध में होना ये चाहिए
कि सुप्रीम कोर्ट से डेथ सेंटेंस फाइनल हो जाने के बाद मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर को 30 दिन के अंदर पेश कर दी जानी चाहिए, ऐसा निर्धारित किया जाए। मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होने के बाद 3 दिन के अंदर कॉपी उपलब्ध करा दी जाए, ये शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जैसी भी स्थिति हो टेंडर ऑफ पार्डन के संबंध में अपने कमेंट्स भेजने होते हैं। देखिए, बहुत साफ स्थिति है कि लॉ एंड फैक्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो अंतिम है, इसके बाद लॉ एंड फैक्ट्स पे डिस्कशन करने का काम गवर्नमेंट का नहीं। केवल इतना देखना है मर्सी पिटीशन के संबंध में सरकार को कि क्या इस व्यक्ति को क्षमा दिया जान दिया जाना देशहित में है या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह क्षमादान दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस संबंध में फिर से लॉ एंड फैक्ट्स का डिस्कशन नहीं होता, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ओवर रूल नहीं करती। केवल फांसी के संबंध विशेष उपलब्ध है, फांसी सजा के माफ करने के संबंध में विशेष उपबंध है, वो सरकार का अपर हैंड है, उस संबंध में सरकार की अधिकार अधिमान है सरकार का, तो सरकार उसको माफ कर सकती है, उसमें किसी को कोई कुछ नहीं। तो अभी तक का जो प्रक्रिया चली आई है कि गवर्नमेंट से ऐसे कमेंट्स को भेजे जाने की कोई अवधि निश्चित न होने से बरसों नहीं गए, कमेंट्स फाइल पड़ी रही जो भी कारण हो, और मुलजिम जेल में सोता रहा। एक फांसी हो सजा होने की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसने कितना टेंशन झेला, कितना डिप्रेशन, कितना एगोनी, कितना मेंटल डिप्रेशन सब झेला, इस सबको तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे विचार से यदि शासन की राय में उस व्यक्ति को टेंडर ऑफ पार्डन नहीं दिया जाना है तो उत्तर तत्काल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कार्य सुविधा की दृष्टि से या शीघ्रता की दृष्टि से या सामंजस्य ठीक से होने की दृष्टि से होना ये चाहिए कि यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट के पास मर्सी पिटीशन पहुंच जाने के बाद यदि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर शासन की ओर से कमेंट्स नहीं जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि शासन को इस संबंध में कुछ नहीं कहना और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट तत्काल उस अपील का निराकरण, मर्सी पिटीशन का निराकरण कर देंगे, वो उसको खारिज करें या अपना जो भी निर्णय लेना हो वो उसके ऊपर निर्णय लें, ताकि इस प्रोसीजर क्या होगा कि जल्दी से जल्दी मर्सी पिटीशन का डिसीजन हो सके। दूसरी बात, मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करना या मंजूर करना कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं, इसलिए इट शुड नॉट बी अवेलेबल टू एनी कोर्ट। उसकी अंतिमता होनी चाहिए, वो जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो उसका मतलब है। आपने राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति को सर्वोच्च सत्ता दी, सर्वोच्च अधिकार दिया, उसके अधिकार को भी कोर्ट में चैलेंज करने के लिए ले जाओ जबकि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने जैसा आदेश दे दिया, रिजेक्ट कर दिया, इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू दी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसलिए राष्ट्रपति ने जो दिया वो निर्णय अंतिम है और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी यही स्थिति है कि रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट से अपील डिसमिस होने के बाद 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के अंदर पेश हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा का समय नहीं। इससे क्या होगा कि एक समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा और हम उस फांसी को अपने अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। ये जब कल चल रहा था सारा का सारा इसका, और 20 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में जब पिटीशन फाइल की या एप्लीकेशन फाइल की कि इसमें कोई समय सीमा निश्चित कर दी जाए, उसके बाद मैंने फिर एक स्वयं प्रधानमंत्री जी को एक सजेशन भेजा था और उसमें लिखा था कि लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 115A बढ़ाया जाए जिसमें इस सब का प्रावधान किया जाए। मैंने अभी डिस्कस किया, उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है, लेकिन उस सब में लिखा था कि भाई ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए, रिव्यू पिटीशन के लिए समय निश्चित कर दिया जाए, उस समय के अंदर हो जाना चाहिए इसको। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने अगर गवर्नमेंट 2 महीने या 1 महीने के अंदर अपने कमेंट्स नहीं भेजती है तो ये मान लिया जाएगा गवर्नमेंट को इस संबंध में कुछ नहीं कहना, और फिर जो है
उसकी पिटीशन खारिज करने के लिए प्रेसिडेंट सक्षम होंगे। तो इस तरह से लिखा गया है, सरकार समय पर विचार करेगी इस पर जब भी होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कोर्ट द्वारा दी गई सजा के संबंध में उसका हंसी मजाक नहीं बनना चाहिए, उस निर्णय के दंडादेश का उपहास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक क्रियान्वयन होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है, ये हम सब का दायित्व है। दूसरी बात, एक जो बहुत विचार करने योग्य है, फांसी देने का सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। आपने देखा चार मुलजिमों को सजा एक साथ फांसी दी जाएगी, फांसी देने के लिए 75 लाख रुपए का तो उनका बोर्ड बना जिसके ऊपर उनका उनको फांसी लटकाया जाना था। भाई पहले जमाने में फांसी दी जाती थी और फांसी दी गई ये जनता को भी दिखाया जाता था, ताकि समान विचारधारा वाले लोग ये समझ सके कि हमने इस व्यक्ति ने अमुक अपराध किया था, उसका दंड ये है, उसका परिणाम ये है, ताकि समान विचारधारा वाले लोग उसको समझ सकें और ऐसा करने से अपने अपने को दूर रखें। अब वो समय चला गया, अब इस प्रकार के प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में जेल के अंदर सजा होती है, फांसी होती है, कोई नहीं देखता, लेकिन वो तख्ते पे और गले में फंदा डाल के लटका के उसको फांसी देने की आवश्यकता क्या है? आप तो और आसान मृत्यु हो जाए इसके और तरीके निकल आए हैं, अब तो सीधे उसको शूट कर दो ना, आप फांसी तख्ते पे खड़ा करो, उसको तख्ते पे खड़ा करो और शूट कर दो, एक मिनट में सीधे तो ये पूरी की पूरी। तो ये सिस्टम भी चेंज करना चाहिए। तो ये बात भी मैंने उसमें लिखा है कि आज की तारीख में इस प्रकार से फांसी के फंदे पे खड़ा करके मुलजिम को और फांसी देने का कोई औचित्य नहीं रहा, अब तो शूटिंग से कर दिया जाए ताकि इस सब में देर ही नहीं लगे। देखिए, गले से स्ट्रैंगुलेशन करके मुलजिम को जब फांसी दी जाती थी तो उसका कंसेप्ट ये था कि जैसे ही शरीर रस्सी के सहारे लटकता था तो ट्रैकिया टूट जाता था और मुलजिम बेहोश हो जाता, तो बेहोश होने से उसको फिर कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। गोली मारने में भी यही होगा, गोली मारने में तत्काल हार्ट बस्ट हो जाएगा उसका, खत्म। तो मेरे समझ में इस सब पे विचार करने की आवश्यकता है। और जो निर्भया केस में हुआ ऐसा अब रिपीट ना हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि निर्भया के केस में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, उनमें कानूनी प्रावधानों का मजाक किस तरह से उड़ाया गया। क्योंकि इस बात का कोई प्रावधान नहीं था कि फांसी की सजा अंतिम हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट अपील खारिज खत्म हो निरस्त हो जाने के बाद कितने दिन में रिव्यू पिटीशन फाइल करना है, कितने दिन में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना है। तो अपनी मनमर्जी से उनकी ओर से ये सारी कार्रवाइयाँ, हम ये कहेंगे उनके निर्देश पर ये सारी कार्रवाइयाँ उनके अधिवक्ताओं के द्वारा की गई। अब आप देखें, सबसे पहले पानी देना बेटा, अब आप देखें सबसे पहले ये मुलजिम मुकेश, इनका जजमेंट हुआ था पांच पांच सत्रह को, सुप्रीम कोर्ट ने 5/5/17 को इनकी अपील निरस्त की, मुकेश ने 8/11/17 को रिव्यू पिटीशन फाइल की जो 9/7/17 को डिस्मिस हो, मुलजिम विनय और पवन ने 15/12/17 को रिव्यू पिटीशन फाइल की, ये भी 9/7/17 को ही डिसमिस हो। अक्षय ने रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की और वो चुपचाप बैठा रहा। उसने रिव्यू पिटीशन कब फाइल की? 2 साल बाद, माने 10/12/19 को उसने पहली रिव्यू पिटीशन फाइल की जो 18/12/19 को डिसमिस हुई। अगर इसका कोई समय सीमा निर्धारित की गई होती तो इतनी देर तक रिव्यू पिटीशन फाइल करने की उसको समयावधि नहीं मिलती। दूसरी बात, मुकेश ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की 14/1/20 को, माने इसके 3 साल बाद, क्यूरेटिव पिटीशन ये डिसमिस हो गई। उसके बाद उसने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन फाइल की, वो मर्सी पिटीशन भी 17/1/20 को खारिज हो गई। फिर उसने दोबारा से
वो ये ऑर्डर जो प्रेसिडेंट का खारिज करने का हुआ, मर्सी पिटीशन का, उसके खिलाफ 25-1 को वो सुप्रीम कोर्ट में गया करने के लिए। अगर ये प्रोविजन होता कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के खिलाफ कोई पिटीशन फाइल नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। खैर वो भी खारिज हुई 29 तारीख को। विनय ने मर्सी पिटीशन 8/11/19 को फाइल किया, यानी जजमेंट हुआ उसका 5/5/17 को, और 8/11/19 को उसने मर्सी पिटीशन फाइल की। फिर उसने 14/1/20 को क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जो खारिज हो गई। फिर 11/2/2020 को इसको चैलेंज किया मर्सी पिटीशन फिली को, जो सुप्रीम कोर्ट ने 14/2/20 को खारिज कर दी। पवन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पवन ने 15/12/17 को रिव्यू पिटीशन फाइल की जो 9/7/17 को डिसमिस हो गई। फिर उसने जुवेनाइल की प्ली लेते हुए फिर पिटीशन फाइल की। देखिए लीगल प्रोसीजर ये है कि जब सेशन ट्रायल शुरू होती है, जब मुजरिम कोर्ट के सामने लाया जाता है, वो जुवेनाइल है या नहीं ये उसी समय फाइनली डिसाइड हो जाता है। तो उसके फाइनल डिसीजन होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से भी अपील डिसमिस हो गई, उसके बाद इस पॉइंट को उठाया जाना गलत था, बिना अधिकार था, गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी ऐसे उसको उठाया गया पॉइंट को और कोर्ट का समय नष्ट किया गया। हालांकि ये भी जुवेनाइल की प्ली जो है 18/12/19 को खारिज हो गई। फिर क्यूरेटिव पिटीशन उसने दोबारा फाइल की 28/2/20 को, ये डिसमिस हुई 2/3/2020 को। फिर उसने 19/3/2020 को फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जो डिसमिस हुई उस रात को खारिज हुई है जिसकी सुबह उसको फांसी दी गई। माने कोर्ट रात को देर रात तक बैठी और उसकी क्यूरेटिव पिटीशन को फिर सुना गया, और फिर से उसके बाद जो है उसकी सुबह 5:30 बजे फांसी। अक्षय ने 10/12/19 को, माने फैसला हुआ 5/5/17 को, उसके 2 साल 2.5 साल बाद जो है 10/12/19 को पहली रिव्यू पिटीशन फाइल की जो 18/12/19 को खारिज हो गई। उसने 29/1/20 को क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में जो रिजेक्ट हो गई। फिर उसने 19/3/20 को मर्सी पिटीशन फाइल की जो सुप्रीम कोर्ट से मर्सी प्ली के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हुई। तो आप देखें जैसे जैसे फांसी के वारंट की सजा का वारंट की तारीखें आती गई, वैसे वैसे इनकी कार्रवाई तेज कर गई। ये बड़े हास्यास्पद है कि उसकी तरफ से इन चारों मुलजिमों की तरफ से लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक में पहुंचा दिया मामला। वो तो फांसी हो गई, अगर कहीं और टाइम रहते हुए इन्होंने कर दिया होता तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाके डिस्कस होता कि भारत में एक मुलजिम को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो मेरा मेरा विचार ये है कि इस सब में जो कुछ भी हुआ वो बड़ा हास्यास्पद है, इसकी स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। और लिमिटेशन एक्ट में इस संबंध में प्रावधान किए जाकर इस सबको ठीक से स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए, ताकि जिन जिन को फांसी हो जाती है इस मुलजिम को उसको कर दे। अब ये प्रश्न उठता है फांसी दी जाए कि नहीं दी जाए। अरे भाई जब तक सरकार ये तय नहीं कर लेती कि फांसी की सजा देश में नहीं होगी, तब तक तो फांसी दी जाना, और फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। तो रेयर ऑफ रेयर केस जहां मिला और कोर्ट ने उसको अंतिम रूप से मान्य कर लिया, तो फिर उसका एग्जीक्यूशन होना है। जब तक ये लीगल प्रोविजन मौजूद है तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करना चाहते हैं इस संबंध में, निर्भया एक्सेस के संबंध में। किसी को भी प्रश्न अगर होंगे तो वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जब शुरू होगा उसमें उसका जवाब दे दूंगा। अब आता है स्पीडी जस्टिस के संबंध में। देखिए स्पीडी जस्टिस के संबंध में अपने सामने जो फिगर है वो बहुत पुअर है। जजमेंट कौन, जस्टिस कौन करेगा? आदमी के केस पेंडिंग है कोर्ट में, लेकिन जस्टिस करने वाली मशीनरी वो तो पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। हाँ लेकिन वो भी नहीं है। स्थिति ये है स्थिति ये है कि हाई कोर्ट जजेस के कुल 1,079 माने 1079 1,079 पोस्ट सेंक्शन है,
इसमें से 406 पोस्ट खाली पड़ी हैं, माने 38% पोस्ट खाली हैं हाईकोर्ट जजेस की। इस स्ट्रेंथ पे तो हाईकोर्ट काम कर रहा है। 221 लोगों के नाम रिकमेंड हो गए हैं, उन पर अभी विचार होना है, उनका अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। ये सारे नाम पेंडिंग हैं, तो इस तरह से ये नहीं दिखता। पिछले 5 साल में यही स्थिति चलती रही है, 35-40% के बीच में हाईकोर्ट जजेस की पोस्टें खाली रही। अब विचार करने वाली बात है, किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित होती है, वो संख्या बढ़ाना बहुत बड़ी कवायद है उसके लिए। वो कवायद जो है करने के लिए बहुत समय लगता है, उसमें एक्ट बनता है, नंबर बढ़ाए जाते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति को भी ध्यान में रखा था कि कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि और टिक्के काम निपटाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए। इस संबंध में विचार करते समय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन बीच में आ रहा है, मैं इसका बाद में जवाब दूंगा। हाँ, इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 127 और 128 बनाया गया है। आर्टिकल 127 इसलिए है कि यदि आवश्यकता पड़े और चीफ जस्टिस की राय में किसी सुप्रीम कोर्ट जज की संख्या को बढ़ाना हो तो जो रिटायर्ड जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से किसी को वो बुलाकर और फॉर द टाइम बीइंग एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते। आर्टिकल 128 प्रोविजन ये किया गया था, यदि आवश्यकता पड़े, कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तो किसी भी हाई कोर्ट के सेटिंग हाई कोर्ट जज को, इसके संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छी राय रखते हो, उसको फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट जज बना के सुप्रीम कोर्ट में बैठाया जाए और सुप्रीम कोर्ट का काम चलाया जाए, तो ये स्थिति तो बहुत अच्छी है। क्योंकि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस की संख्या कम होती जा रही है या काम बढ़ता जा रहा है, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में 59,867 केस पेंडिंग, वर्तमान स्ट्रेंथ 33-35 जो भी है उस स्ट्रेंथ से कोई सामने बढ़ने वाला नहीं है। तो एक मुहिम चला के एक निश्चित करके भाई अगले 5 साल में हमको ये संख्या आधी कर देनी है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या गवर्नमेंट स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से निवेदन कर सकती है और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए एड होक जजेस को अपॉइंट कर सकती है। एड होक जजेस अपॉइंट करना, देखे समझे जज साहब होते हैं आपके, इनका काम ऐसा था, बहुत अच्छे हैं, मेहनती है, सब करते हैं, सारे गुण आपके सामने रहते हैं, आप किसी को भी इन्वाइट करके और उनको सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करके अपने सुप्रीम कोर्ट जजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो मेरा विचार ये है कि ये काम जल्दी निपटाया जाए, ऐसा एक निश्चित समय कर लिया जाए कि 5 साल में हमको ये केस आधे कर देने हैं, ये इतना कर देना है, इस तरह से करके, और एड होक जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई है। हाई कोर्ट की भी स्थिति यही है, हाई कोर्ट में भी एड होक जजेस का प्रोविजन आर्टिकल 224 ए में किया गया था, उसमें भी यही लिखा था उसमें कि आवश्यकता पड़ने पे एड होक जज काम को निपटाने की दृष्टि से किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी है इस समय वो आप देखें तो बड़ा आश्चर्य होगा देख के, 25 हाई कोर्ट देश में है, इनमें 44.75 लाख केसेस पेंडिंग। इतने सारे हाई कोर्ट जज जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो भी 33% लेस है, इतने सारे केसेस इन लोगों से कैसे निपटे। लेकिन ये विचार करना जरूरी है आखिर इन केसेस का निपटारा करना। बीच में एड होक जजेस के बारे में कुछ मूव हुआ था, उस समय कंसर्निंग मिनिस्ट्री की राय ये थी
साहब इस हाई कोर्ट में तो अभी इतने सारे पोस्ट हाई कोर्ट तक के खाली पड़े हैं, एडवोकेट अपॉइंट कैसे करेंगे हम, ये चिंतन गलत है। हाई कोर्ट जज फ्रेश अपॉइंट करना बहुत टीडियस जॉब है, किसी का भी नाम रिकमेंड होता है उसकी बहुत सारे लिए, उसके लिए बहुत सारी जांच होती है, बहुत सारी शिकायतें भी लोग पहुंचा देते हैं, कुछ झूठी होती है कुछ कैसी होती है, तो इस सब प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। एक हाईकोर्ट जज रिटायर हो रहा है या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की आपके सामने सूची है, सबका अपना रिकॉर्ड है, सबकी वर्कमैनशिप का आप रिकॉर्ड आपके सामने है, सबके बारे में बार का अपना अपना ओपिनियन है, तो आप एडो जज उनको उस वैकेंसी के रहते हुए भी अपॉइंट कर सकते हो, और वो भी इस शर्त के साथ कि भाई इस हाईकोर्ट में 10 पोस्टें अभी खाली हैं, जब तक ये 10 नहीं भरी जाती तब तक के लिए हम आपको एडो जज अपॉइंट करते हैं, इससे हाईकोर्ट का काम जल्दी जल्दी करेगा, एक समझा बुझा आदमी मिलेगा। इसके लिए वो प्रक्रिया नहीं होती एडो जज अपॉइंट करने के लिए, लिखा तो ये है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट में अपॉइंट हिम टू बी एडो जज, तो ये प्रोसीजर बहुत सही है। तो कम से कम जनता के कल्याण की दृष्टि से, लिटिगेंट के कॉमन लिटिगेंट के कल्याण की दृष्टि से एडवोकेट जज के प्रोविजन को आगे एडॉप्ट किया जा सकता है, और मेरे विचार से इतने सारे जो जज हैं जो वैकेंसीज हैं इनको फिलअप करने के लिए कम से कम हर हाई कोर्ट की 1/4 स्ट्रेंथ के न्यायाधीशों को एडवोकेट जज अपॉइंट कर दिया जाए ताकि केसेस का निराकरण हो सके। दूसरी बात, जैसे किसी एक ए जज साहब का अपॉइंटमेंट अगले महीने की किसी तारीख को है और आपको दिख रहा है कि उनकी जगह जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें अभी एक साल लग जाएगा, 8 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, तो भाई चीफ जस्टिस साहब से ये निवेदन किया जा सकता है या चीफ जस्टिस साहब अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि उसी जज को एडवोकेट जज के रूप में रिटायरमेंट के अगले दिन से अपॉइंट कर दें ताकि वो काम जो चल रहा था यथास्थिति वो काम में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और काम हो सके। देखिए बहुत बुरी स्थिति होती है, आप कल्पना करें इस बात की, मैं हाईकोर्ट में था जब कुछ पुरानी अपीलें सुनने में आई, खासकर NDPS एक्ट के केसेस की, तो वकीलों ने ये कहा कि हम तो ये मान बैठे थे कि इसको जेल में रहना, आप सुन रहे हैं उन केसेस को और उनकी अपीलें 12-12 साल के बाद में, आप सोचिए कोई आदमी 12 साल जेल में रह रहे और उसके बाद जब वो बरी हो तो उसकी क्या स्थिति हो, तबाह हो जाता, तो घर में कमाने वाला नहीं होता, बाल बच्चों को देखने वाला नहीं होता, बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं बिना पढ़े लिखे, उनका क्या होगा, पूरा एक आदमी के जेल जाने से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो। तो इस बात को समझते हुए कि दूसरे आदमी की पीड़ा को समझें अपन इसको, और जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट केस निपटे, पूरी जिंदगी हो जाती है। मैं तो वकील घर से आया हूँ, मेरे यहाँ 10 साल से वकालत हो रही है, मैंने देखा है कि आदमी जवान से बुढ़ा हो गया और उसका केस नहीं निपटा। ग्वालियर में एक केस निपटाया मैंने, 27 साल बाद उस केस का फैसला हुआ, 27 साल में वो केस कभी भी अपील रिवीजन में ऊपर नहीं गया, जब केस फैसला हो गया पार्टी खड़ा हो गया हाथ जोड़ के बोले साहब मेरे लिए आप भगवान हो, मैं इस कोर्ट में आते आते जवान से बुढ़ा हो, वो बात तो उस दिन की पूरी हो गई। लेकिन उस केस में चूंकि वो रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज का केस था, 15 साल बाद मेरे जज साहब ने पूछा कि साहब रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज में आप उस दिन वो ऑर्डर दे गए थे, आप प्रिलिमिनरी डिग्री बना गए थे, उसकी फाइनल डिग्री कैसे बनेगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा 27 साल तो वो चले गए और 15 साल ही हो गए, तो इस आदमी को इस लिटिगेशन से मिला क्या। एक और केस मेरे इंदौर में था, खानदानी केस था, लड़ते ही रहे, अल्टीमेटली जब उसका नंबर आया उसका, हम लोगों ने लोक अदालत में बैठकर निपटाने की कोशिश की, नहीं निपटा, उनका बड़ा परिवार था, कई लोग वकील थे उसमें हो गए थे, कल CA हो गए थे, सब परिवार प्रतिष्ठित था, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भैया ये मकान तुम लोगों को फल नहीं रहा, इस मकान को दान करो, खत्म करो, कब तक लड़ोगे तुम, घर में आते आते रहते एक साथ हो, कोर्ट में तारीख पे बैठ जाते हो, आके अपनी अपनी पेडिंग कराते हो सब। तो ये जिम्मेदारी शासन की है कि जल्दी से जल्दी केस निपटे, लोगों के पेंडेंसी कम हो। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थिति ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 41.53 लाख केसेस पेंडिंग है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2.62 करोड़ केस पेंडिंग है, इसमें सिविल केसेज जो है 18.75 लाख हैं और क्रिमिनल केसेज जो है 12.15 लाख, इसमें 10 साल पुराने 8.35 लाख केसेज हैं और 5 साल पुराने 8.44 लाख केसेज हैं, मतलब बराबर बराबर से हैं दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन के केस में 2002 में निर्णय दिया था, जो AIR SCW 1706 पेज पर प्रकाशित हुआ है,
इसमें उस समय निर्णय देते हुए कहा था कि वर्तमान में देश की संख्या 13 पर लाख है, जो अगले 5 साल में इसको कम से कम 50 जज पर लाख की स्थिति में ला दे, पर 10 लाख की स्थिति में ला देना चाहिए, तब केसेस का डिस्पोजल होगा। कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में 19 जज पर 10 लाख की स्ट्रेंथ है हमारे पास। उसमें से भी स्थिति ये है कि वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, लोग सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस की स्थिति ये है कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए वैकेंसी निकलती है और वकील लोग पास नहीं हो पाते, लेकिन उनका कोटा कहाँ जाएगा, खाली चल रहा है उनका कोटा, लेकिन इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज क्या होगा। देखिए, 7 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। वकील को अपनी डेली प्रैक्टिस भी करनी होती है, सॉरी कोर्स अटेंड करनी होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फेस करना होता है। इसके लिए जरूरी ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए। रिलैक्स करने से मेरा आशय ये है कि एक साथ 4 पेपर लेने के बजाय एक एक महीने के अंतर से आप 4 महीने में 4 पेपर ले लो, ताकि वकील अपना समय दे सके, पढ़ाई कर सके और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करें। दूसरी बात, शेट्टी कमीशन ने 25% सर्विस जजेस को उनका अलग कोटा बना दिया था, ये डायरेक्ट कोटे में जाएंगे, सीधे ये कॉम्पीट कर सकेंगे, 7 साल बाद उनको पात्रता रहेगी, वो डायरेक्ट कॉम्पीट करें और अगर पास हो जाते हैं तो सीधे एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। जैसा भी हाईकोर्ट जज के लिए जब कंसीडर करते हैं अपन किसी वकील को, तो उसका सर्विस पीरियड काउंट करने के लिए उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई वकील वकालत करने के बाद जुडिशियल सर्विस में ज्वाइन हो गया है तो 1 साल की जुडिशियल सर्विस को 1 साल की प्रैक्टिस के बराबर मान किया जाएगा। इस तरह से उसका सर्विस पीरियड, उसके एडवोकेसी का पीरियड माना जाएगा। तो भाई, इसी सिद्धांत को अपनाते हुए जो हमारे जजेस सिविल जज के रूप में भर्ती हो गए हैं, अगर वो वकील और सिविल जज दोनों रह चुके हैं तो उनका पीरियड इसको काउंट करने से उनका भी पीरियड 7 साल का हो जाता है, तो वो डायरेक्ट एडीजे बनने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए सक्षम क्यों नहीं? उनको दोनों तरह से पात्रता है। एक पात्रता ये है कि वो नौकरी में है, दूसरी बात का ये है कि वो वकील है प्लस उसने जुडिशियल सर्विस कर ली है इसमें, तो उसको दायरे इस तरह से, तो अगर हम उसको भी पात्रता दे दें कंप्लीट करने के लिए, तो भाई वो तो सीख पढ़ती तो आएगा, आगे याद करके आएगा, पढ़ाई करके आएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेगा, पास करेगा, तब वो बनेगा, तो उनका चांस क्यों रोका जाए? सोचना ये चाहिए कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की जो मैंडेटरी प्रोविजंस है कि ये सी पोस्टें वकीलों से ही भरी जाएंगी, उन पोस्टों को भरा कैसे जाए? आखिर सिविल जजेस की सबोर्डिनेट जुडिशरी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो? तब तो इन केसेस का डिस्पोजल होगा। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के जो पोस्ट में मैंने रिकॉर्ड देखा था इसका, हर स्टेट में खाली पड़ी है। अब आप बताएं कैसे होगा इनका इनका इन केसेस का डिस्पोजल कैसे होगा? ये जिम्मेदारी शासन की है, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे सारे वकील संवर्ग की, केवल उस व्यक्ति की नहीं है जो उस एग्जाम को फेस करने जा रहा है, बल्कि हमारे अधिवक्ता संघों की जिम्मेदारी है कम से कम ऐसी स्थिति को उत्पन्न करें कि हमारे जजेस जो हैं वो कम से कम अपॉइंट हो जाए पूरे के पूरे, ताकि इन केसेस का निराकरण हो सके। तो ये सबसे बड़ी बाधा है आज केसेस के डिस्पोजल के लिए कि हमारे पास समुचित मात्रा में नीचे से लेकर ऊपर तक, माने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त संख्या में जजेस नहीं है। तो पहले इसका निपटारा किया, इसकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि निर्णय हो सके। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ का जो पुराना तरीका है उस तरीके को बदला जाना चाहिए। क्यों? देखिए, देखिए सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों केसेस में कुछ केसेस इस तरह से होते हैं जिनका जिनको अपन स्टार्ट डिफेंस वर्जन से कर सकते हैं। जैसे फौजदारी केस, फौजदारी केस में अभी सिस्टम क्या है, प्रोसिक्यूशन चालान पेश करेगा या कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा,
उसके बाद उसको साबित करने के लिए उसे एविडेंस देनी पड़ेगी, फिर डिफेंस आएगा उसके लिए, वो डिफेंस बताएगा। अब यदि एनक्रोचमेंट का केस आ गया और एनक्रोचमेंट के केस में गवर्नमेंट पार्टी है, गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट किया गया है, तो इसकी आवश्यकता क्यों होगी? गवर्नमेंट साबित करे जमीन हमारी है, भाई इस केस को डिफेंस से स्टार्ट करो, भाई जमीन तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुम इसके मालिक कैसे हो, तुम बताओ। जनरल कंप्लेंट ये है, आप खुद देख लो, कोई भी आदमी सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपना मकान बना खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, सरकार उससे मुकदमा लड़ती रहती है, 10-10 साल 15-15 साल तक मुकदमे चलते हैं, कभी उनका फैसला होता ही नहीं। जो प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों ने पूरी पूरी मार्केट बना ली, फार्म हाउस बना लिए उन लोगों ने, आराम से दुकानें बना ली, सब दुकानों में किराए से किराया खा रहे हैं और सरकार मुकदमा लड़ रही है, और वो भी रिकॉर्ड पूरा पेश नहीं हो पाता तो वो हार जाते हैं, वो जगह उसकी हो गई। और इस सब में समय लगा 15-15 साल 20-20 साल वो केस चलते हैं, भाई इसका एक सबरी प्रोसीजर हो जाए, भाई तुम एनक्रोचर, हम ये कह के आए हैं कि अगर प्रतिवादी या दूसरा मूल्य में एनक्रोचर है तो उस केस को डिफेंस से स्टार्ट करना चाहिए, भाई आप यहां से स्टार्ट करोगे, तुम बताओ कि तुम इस जमीन के मालिक कैसे। दूसरी बात, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें चालान पेश हो जाने के बाद प्राइमरी फेस एविडेंस आ जाए, तो वो प्राइमरी फेस एविडेंस को सही मान के डिफेंस से केस को स्टार्ट करना चाहिए कि आप इस एविडेंस को रिवर्ट करो। कई विदेशों में कई जगह ऐसा होता है और वहां बहुत जल्दी होता है निराकरण। यहाँ तो स्थिति ये हो जाती है कि जब ट्रायल शुरू होती है और इम्पोर्टेंट केस है, पार्टी अगर सक्षम है तो कोर्ट में गवाही नहीं आने देती, तो इसकी एविडेंस का सिस्टम क्या होगा? एविडेंस का सिस्टम ये होना चाहिए कि जिस आदमी को आप पुलिस ने गवाह बनाया है या फरियादी ने गवाह बनाया है, उसके पूरे पूरे बयान का एफिडेविट उससे ले लो, और उस एफिडेविट को सत्य मान के, प्राइम फेसी एविडेंस मान के, फिर उसकी एविडेंस में डिफेंस स्टार्ट करना चाहिए उसको कि भाई मेरी एविडेंस ये है, फिर केस का निराकरण जल्दी हो जाएगा। एम्बेजलमेंट, गवर्नमेंट अमाउंट का एम्बेजलमेंट है या वैसे भी एम्बेजलमेंट होते रहते हैं, इन सब केसेस में जहां प्राइम फेसी एविडेंस है वहां फिर से जो है इस ट्रायल को लंबे तरीके से चलाने के बजाय शॉर्टकट से चलाओ, ताकि जल्दी जल्दी उस केस का निपटारा हो जाए और दोषी को सजा मिल सके। आपकी नज़र में बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो बड़ा बड़े नामधारी हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन वो टॉप से लेके नीचे से लेके ऊपर तक के सारे पदों को सुशोभित किया उन्होंने, सरकार भी चलाई और उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस सिस्टम का दोष है हमारे, हम कुछ नहीं कर पाते। तो मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ केसेस में किसके ऊपर रहेगा और ट्रायल के पीरियड को कितना कितने से कैसे कम कर सकते। पनिशमेंट थ्योरी आपको याद होंगी, पनिशमेंट की थ्योरीज में एक सेपरेशन की थ्योरी भी है। अंग्रेजों ने इसी थ्योरी को यूज करके उस आदमी को सोसाइटी से अलग कर दिया जो उनकी नजर में इस सोसाइटी के लिए उपयुक्त नहीं था, और इसका परिणाम है आपको, आप पढ़ते होंगे, सब जानते हैं इसको, तो उन्होंने बहुत से लोगों को यहाँ से उठाया और काला पानी ले जाकर बसा दिया। मैं होके आया हूँ अंडमान निकोबार, मैंने देखा वहाँ कि जो आज के 100 साल पहले 125 साल पहले वहाँ क्रांति, यहाँ के क्रांतिकारी वहाँ बसा दिए गए थे, उनको फिर आने का मौका नहीं मिला, वो वहीं बस गए, उनके एसोसिएशन यहाँ कट गए। जब उनसे मिले तो उन लोगों ने बताया कि हमारे फलाने बाबा या हमारे पर बाबा फलाने साहब थे, वो क्रांतिकारी थे, उनको यहाँ ला के बसा दिया गया। आज भी बहुत से ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में हैं कि जिनको हम हर तरह से कंडेम करते हैं, हर तरह से मानते हैं कि भाई ये आदमी सोसाइटी के लिए उपयुक्त नहीं है, ये अपराधी है, स्मगलर है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो भाई आप उसी समाज में रहने दोगे तो वही काम करेगा ना, अल्टीमेटली आप नौकरी दे नहीं रहे उसे। जब उसका करियर खराब हो गया, करेक्टर खराब हो गया, तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो वो जाएगा कहाँ? इसी समाज में रहेगा और समाज में कमाने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ करेगा, कुछ करेगा तो जो उसे आता वही करेगा। तो ऐसे आदमियों को स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है कि ऐसे आदमियों को आप उस सोसाइटी से अलग करो और उनको कहीं ले जाकर और बसा दो, ताकि वो, आज हम जिला बदर कर देते हैं उससे कुछ नहीं होता, जिला बदर कर दो किसी को भी, आप कह दो सामने प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी कर दिया, वो जिले में नहीं आएगा, मिलता तो भैया किसकी हिम्मत है उसको रोकने की? कई सारे पकड़े जाते हैं ऐसे जिनको जिला बदर कर दिया और वो अपने आराम से उनका आना जाना बदस्तूर चाली है। तो इन सब चीजों पे आप सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि प्रोसीजर लॉ, सिविल लॉ का प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर, उसमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए।
इसके बाद ही हम सक्षम हो पाएंगे इस बात में कि हम त्वरित न्याय दिला सकें। त्वरित न्याय देना शासन का काम है, जस्टिस डिलेड की जस्टिस डिनाइड, लेकिन जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का खाली व्यक्तिम से होता क्या है? आप जस्टिस जल्दी दिला सको किसी को, तब तो हम उसको जस्टिस कहेंगे। एक आदमी लड़ता चला गया 10 साल 20 साल 15 साल, वो तो खत्म ही हो गया। अभी फौजदारी केस में ही आप ले लो, कोई आदमी 12 साल बाद बरी हुआ, उसका तो सब टाइम निकल गया, क्या होगा? तो इसके लिए आवश्यक ये है कि जैसे आज आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, आज सबको ही घर जाना चाहता है, लेकिन ट्रेन नहीं जाने के लिए, प्लेन नहीं है जाने के लिए, आदमी परेशान हो रहा है, पैदल चल रही यहाँ, इसकी परेशानी देखी नहीं जाती, आप कैसे दूर करो? वही स्थिति कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है, आदमी चक्कर काट रहा है तारीख पे तारीख। अरे भाई, जज भी कितना करे काम, और जज के पास साधन क्या है? आज नहीं बड़ी मेरे से एक चीफ जस्टिस साहब ने कहा, भाई आपका डिस्पोजल बहुत हाई है, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, मैंने साहब मुझे 2 स्कैनर दे दो, मैं कर दूंगा शाम को 6 बजे एक चार्ज भी के, फिर बैठ जाऊंगा 4 घंटे और बैठा रहूंगा। अब वो व्यवस्था है ही नहीं, तो मैं कैसे करूं? अगर किसी जज में ये कैपेसिटी है तो वो जज ज्यादा काम कर सकता है, तो उसको काम करने के लिए उसको साधन भी तो देने पड़ेंगे, उसको समय तो दे सकता है हर जज। आज की तारीख में जितने जज यहाँ जुडिशरी में काम कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम सब जो निर्धारित स्टैंडर्ड है उससे दुगना काम दे रहे हैं, डिस्पोजल रेट उनका दुगना है, लेकिन इसके आगे तो वही मजबूर है ना, वो करें क्या? जब तक उन्हें स्कैनर नहीं मिलेंगे, पैराफर्नेलिया नहीं मिलेगा, उतनी सारी मशीनें नहीं मिलेंगी, प्रिंटिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, सब कुछ जजमेंट होंगे कैसे? तो त्वरित न्याय के लिए इन सब चीजों पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा मानता हूं कि अब समय आ गया है कि हम सब दोबारा बैठे। अंत में मैं फिर से एक बात कहता हूं, आज आपसे चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लेक्यूनाज मैंने आज एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के बारे में बताए हैं, तो विचार करना आवश्यक है, और क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस के बारे में जो भी हमने आज सजेशन दिए हैं, इस पर ही विचार करें। सभी लोग आज के समय में प्रबुद्ध लोग हैं, सब विचार करना चाहते हैं, सबके अंदर समाज सेवा की भावना भरी हुई है, उठ के इस सिस्टम को हम बदलें। तो ये 1860 की IPC कब तक चलेगी? आप सोचें, मैं देख रहा था 1860 में IPC बनी, उस समय सेक्शन 323 IPC में पनिशमेंट जो दिया गया था वो 500 रुपये की सजा और 500 रुपये फाइन और 6 महीने की सजा थी, 3 या 6 महीने या 3 महीने की ऐसी कोई सजा थी। 500 रुपये की वैल्यू क्या थी आपको मालूम है? उस समय 18 या 19 पाउंड का 1 औंस गोल्ड आता था, 1 औंस में 28.5 ग्राम होता। आप सोचिए क्या हालत थी आदमी की, आमदनी ये थी, और आज की तारीख में आप गोल्ड की स्थिति देख लो, उसी कंपैरिजन में अगर पनिशमेंट हम बढ़ाएं तो ये पनिशमेंट कहाँ पहुंचेगा? इस सब पे आज फिर विचार करने की आवश्यकता है। 50 रुपये फाइन का कोई मतलब नहीं रह गया। आज मुलजिम को 50 रुपये फाइन करो तो आज तो भी चला जाता, जस्ता में कुछ नहीं आती, सही देना नहीं आता हम। ये सारे फाइन जितने भी हैं इससे स्टेट को ही पैसा मिलेगा ना। 50 रुपये की वैल्यू क्या है आज की तारीख में? किसी ऑफेंस में एक एक्ट बना के जितने भी ऑफेंसेज में 50 रुपये 100 रुपये फाइन की सजा रखी गई है, इन सबको बढ़ाकर 10-10 गुना कर देना चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट की अर्निंग तो बढ़े, आदमी अपराध तो कर ही रहा है, खड़ा है सामने, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरी बात, हंसते हंसते मैं और कह देता हूँ आपसे, अभी आप ट्रैफिक रूल्स है, हेलमेट लगाओ, ये करो वो करो, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया, आज आदमी को रोकते हो, फाइन करते हो। अरे भैया, ये तो ठीक है, वो दुनिया भर की जुगाड़ लगाता है कि कैसे भी छूट जाए, इससे अच्छा तो आप ये कह दो ना, आप हेलमेट लगा के नहीं आए, गाड़ी खड़ी कर दो, तुम 1 घंटे खड़े रहो, तब जाना यहाँ से, 1 घंटे बाद जाना, आपने लाइट ग्रीन लाइट का उल्लंघन किया, रेड लाइट पर निकल गए, खड़े हो जाओ, 1.5 घंटे बाद जाना, तो जितनी जल्दी उसकी थी ना, वो सारा टाइम निकल जाएगा उसका, तो अगली बार से वो नहीं पड़ेगा, तो भैया 1.5 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आदमी के पास टाइम भी कभी है, आदमी रुकनी नहीं चाहता, उसको 1 सेकंड भारी पड़ता है कि भाई रेड लाइट हो गई है, अरे निकल लो, कोई नहीं देख रहा। तो लॉ का पालन कराने के लिए केवल दंड ही पर्याप्त नहीं है, प्रैक्टिकल दंड दो ना, उन्हें सीधा खड़ा कर लो, 10 मिनट खड़े रहो, 15 मिनट बाद जाना यहाँ से, सब भूल जाए। तो ये तो सजेशन मात्र है, ऐसे बहुत से सजेशन हो सकते हैं। आप सबसे आज चर्चा करी, बहुत अच्छा लगा हमें, मैं आप सबसे मिलके, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें आप सभी ने, आपने सभी को समझाई, हम सभी को
बहुत सारे प्रश्न आपके इस लेक्चर के दौरान सभी अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता और अन्य अधिवक्ताओं ने किए हैं। बहुत ज्यादा है प्रश्न, लेकिन कुछ उसमें से चुन करके प्रश्नों को आपके समक्ष में रख रहा हूँ सर। कुछ तीन कितने प्रश्न, चार पांच, चार प्रश्न ही रखेंगे सर आपके लिए। आप जितने चाहें मैं पूछे, मैं जवाब देता जाऊंगा सबका। जी सर, थैंक यू सर। सर एक प्रश्न ये था कि जो हालांकि आपने उसको अपने लेक्चर में जवाब दिया है, पर सचिन सबनिस जी है इंदौर से, इवन आफ्टर डिसमिसल फ्रॉम ऑल द कोर्ट्स व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ मर्सी पिटीशन। ये मर्सी पिटीशन के विषय में इनके प्रश्न है कि मर्सी पिटीशन की जरूरत है जब कोर्ट ही सब कुछ डिसाइड कर चुकी है। मैं बताऊं, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली किसी कल्प्रिट को सजा देने का जुरिस्डिक्शन तो कोर्ट को है, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, किसी आदमी का पॉलिटिकल मर्डर होता है। ये जो मर्सी पिटीशन का प्रोविजन बनाया गया था ना, ये केवल इसलिए बनाया गया था कि यदि शासन की राय में किसी आदमी का पॉलिटिकल मर्डर हो रहा हो तो उस आदमी को बचाया जा सके। आपको लेटेस्ट केस बता दूं, जैसे शेख मुजीब रहमान का था, याद करो आप, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो बने, उनको पार्टी उनकी जीती थी, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का उनको बनना था, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया, उनको जबरदस्ती मुकदमा चला के फांसी देने का हुक्म दे दिया गया उनको। ये सही है कि भुट्टो ने बड़ी मेहरबानी की, उनको नहीं दी और उन्होंने जहाज में बैठा के लंदन भेज दिया और वो बच गए, लेकिन ये प्रोविजन इसीलिए बने। तो विशेषाधिकार है वो कोर्ट नहीं है, मर्सी पिटीशन कोर्ट नहीं है। ये कर सकते हैं आपके आपके भाई, ऐसे मर्डर केसेस में मर्सी पिटीशन नहीं होगी, लेकिन मर्सी पिटीशन में केवल फांसी नहीं होती माफ, उसमें अन्य प्रकार की दी गई सजा ही माफ होती, तो वो पूरा प्रोविजन है। तो वो केवल विशेषाधिकार राष्ट्रपति का है, आपने राष्ट्रपति को अपने संविधान में सर्वोच्च रखा है, इसलिए वो इस भावना से रखा गया है कि यदि किसी वाकई में किसी आदमी को गलत फंसा दिया गया है तो उस पर विचार किया जा सके। अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न ये है अच्युतेंद्र सिंह बघेल जी का, ऑल द टाइम वी हियर दैट जुडिशरी इज ट्राइंग टू फॉर द क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, डज दिस अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ जजमेंट। नो, देखिए ये केवल चर्चा की जा सकती है, जज को तो फैसला लिख के देना पड़ता है आपके सामने और उस फैसले की अपीलें होती हैं, वही फैसला हाईकोर्ट में अपील में जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो जज कभी इससे कंप्रोमाइज नहीं करता, क्वालिटी ऑफ जजमेंट से कभी कंप्रोमाइज नहीं होता, वो अपना क्वालिटी जो बेस्ट जजमेंट हो सकता है वो देता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति उखले जी का, व्हाई सच डिलेइंग टैक्टिक्स आर अलाउड टू बी टेकन बाय द कोर्ट्स सच एज रिव्यू पिटीशन एंड द क्यूरेटिव पिटीशन, ऑल दिस डिलेइंग प्रैक्टिस, व्हाई द कोर्ट्स अलाउड दिस। नहीं, इसको डिलेइंग टैक्टिक्स कहना गलत है, एक्चुअली इसका प्रोविजन है, आप उस प्रोविजन को खत्म करो ना तब फिर नहीं होगी अलाउड। भाई अगर आपने लॉ में दिया है कि इसकी रिव्यू मेंटेनेबल है तो वो आप कैसे कहते हो डिलेइंग टैक्टिक्स है, उसका राइट है। एक आदमी जान जा रही है, वो फांसी चढ़ने जा रहा है, उसके हिसाब से वो तो लास्ट मिनट तक कहता रहेगा मैं निर्दोष हूँ, तो अगर उसको एक लीगल प्रोविजन अवेलेबल है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करेगा। इससे बेहतर ये कि उसको खत्म करो ना उस प्रोविजन को, अपील नहीं होगी, कोई रिव्यू पिटीशन नहीं होगी, कोई क्यूरेटिव पिटीशन नहीं होगी, कोई राइट नहीं मिलेगा उसे, हो जाएगा भाई, कानून का पालन करना है ना। अगला प्रश्न सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आशुतोष शर्मा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट कैन बी ओपन्ड इन नाइट। निर्भया केस में भी और अन्य केसेस में भी ऐसा हुआ है, इसलिए इस केस में प्रश्न है सर। देखिए जज इज जज फॉर ऑल 24 आवर्स, जज की वर्किंग को आप समय सीमा में निर्धारित नहीं कर सकते कि 11 से 5 तक ही जज रहता है। हम लोग मजिस्ट्रेट जब बने थे तो सिखाया गया था यू आर 24 आवर जज, रात को 2 बजे भी रिमांड देना पड़ेगा आप, समझ गए। हाई कोर्ट रूल्स पढ़िए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूल्स पढ़िए आप, उसमें वो जज को जब भी अर्जेंट हो इवन ऑन छुट्टी के दिन भी दावा उसके मकान में पेश किया सकता है, बंगले पे के साहब ये दावा है मेरे को अर्जेंट रिलीफ चाहिए, तो जहां जिसकी जान जा रही है वहां उसको अगर एक एक मिनट की वैल्यू है, रात हो तो दिन हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसको सुनना पड़ेगा। आगे अगला क्वेश्चन पूछिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू पिटीशन के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में 2013 में अमेंडमेंट होके उसके 30 दिन की अवधि को फिक्स किया जा चुका है,
इस निर्भया के प्रकरण में उसको इग्नोर क्यों किया गया, ये उपेंद्र सिंह चंद्रावत जी का प्रश्न है। देखिए जजमेंट दो तरह के होते हैं, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोना। अगर वो जजमेंट ऐसा था कि जजमेंट इन रेम था तो फिर सरकार को उसके हिसाब से कानून बना देना चाहिए था, अगर वो नहीं है तो जजमेंट इन पर्सोनम था। और अगर ऐसा फिर भी लगता है कि अगर उसको बनाना चाहिए था तो आप उसका सरकार से कहो या आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो कि साहब आप ये किसी भी डेथ पे डेथ कन्वर्ट की जो है रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, नहीं होगी। अगर बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सारे यंग एडवोकेट्स हैं, आप आगे बढ़िए, कॉमन लॉ पिटीशन जैसे कॉमन कॉज की पिटीशन लगती है ना, ऐसे ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन या बार एसोसिएशन या बार काउंसिल की तरफ से आप लाग खड़े हो, इसको इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेदिता सक्सेना जी का। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेक्शन 376 को केसेस के लिए कोई कठोर दंड नहीं है, क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन आवश्यक है और संभव है? देखिए जुवेनाइल, मैं आपने जो कहा वो मैं भी उसको ठीक समझता हूँ। क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो अपने यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया उसमें जुवेनाइल की जो डेफिनेशन है वो ऑल वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये एज तय की गई और उसमें ये 18 साल रखी गई थी, जिसको घटा के अपने यहाँ इंडिया में 16 साल अडोप्ट किया गया। पर मेरे पर्सनल विचार से रेप केसेस में, मर्डर केसेस में, स्मगलिंग के केसेस में इस एज को घटा देना चाहिए, क्योंकि जब आदमी इसका मतलब समझता है कि रेप क्या होता है और मुझे ऐसा करना है तो उस आदमी को जुवेनाइल होने का लाभ कैसे मिलना है? 10-12 साल की उम्र से आदमी को समझ में आने लगता है कि किसी को चाकू मार दूंगा तो खून निकल आएगा, किसी को चाकू मार दूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में उसको जुवेनाइल जस्टिस का लाभ क्यों दे, उसको उसकी एज रिड्यूस करना चाहिए और इसके लिए एक मुहिम चलाई जाना चाहिए कि इस सबको कम करो, क्योंकि अल्टीमेटली निर्भया केस में एक को तो अपने जुवेनाइल मान के छोड़ दिया ना, जबकि वो शामिल था उसमें। ऐसे बहुत से केस हैं आजकल, स्मगलिंग हो रही जुवेनाइल के थ्रू, स्मगलिंग में उनको कैरियर बना देते हैं, तुम ले जाओ सामान ले जाना, तुमको सजा होगी नहीं, ज्यादा ज्यादा रिफॉर्मेटरी स्कूल में डाल देंगे और क्या, ज्यादा तो ये सब होगा। इस पर विचार मैंने इसीलिए कहा कि इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में, बल्कि बल्कि होना ये चाहिए कि आप बार टू बार इन प्रोविजन से विचार करो, प्रस्ताव पास करो, गवर्नमेंट को भेजो। दिक्कत तो यही है कि हम सब खड़े होकर बात कर लेते हैं लेकिन इसको लिख के नहीं देना। अगले चलिए सर, टाइम के कॉन्स्टेंट, सर टाइम कॉन्स्टेंट में सर इतने ही प्रश्न जो है लेते हैं। मैं आप, मेरे पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई कोई वो नहीं है, आपके पास टाइम होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम के कॉन्स्टेंट में तो सर मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों को प्रश्न जितने लिए गए हैं वो सभी अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होंगे। मैं आदरणीय सर के को थैंक्स करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए हमारे मालवा प्रांत के कार्यालय मंत्री वाल्मीकि सकरगाय को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, मैं अधिवक्ता वाल्मीकि सकरगाय, अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत कार्यालय मंत्री, आप सभी के बीच अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत की ओर से आभार प्रकट करता हूं। सर्वप्रथम मैं ऑनरेबल जस्टिस आईएस श्रीवास्तव साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन श्रृंखला में आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी अधिवक्ताओं का ज्ञानवर्धन किया। आज के इस विषय में हमें कानून की बारीकियों के साथ साथ न्याय प्रक्रिया को आपसे समझने का मौका मिला। मैं अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय मंत्री श्री दीपेंद्र सिंह जी कुशवाहा का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में इस व्याख्यान माला के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अधिवक्ताओं को एक साथ जोड़ने का काम किया और अधिवक्ताओं तक विधि के गंभीर विषय पहुंचाकर सभी को उनका लाभ प्राप्त हो सके ऐसा काम किया। मैं मालवा प्रांत की ओर से उनका भी धन्यवाद देता हूँ। आभार की इस कड़ी में मैं अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत के अध्यक्ष उमेश जी यादव व महामंत्री विक्रम जी दुबे का भी धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयासों के द्वारा आज मालवा प्रांत
इस व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया और भविष्य में भी आपके मार्गदर्शन में इस श्रृंखला को आगे बढ़ा पाएगा। आपका धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी अधिवक्ता गणों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने इस व्याख्यान श्रृंखला के साथ जुड़कर इसको सफल बनाया। पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।